लिटल अबाउट योर मिनिस्ट्रीज डिसीजन अगेंस्ट नॉट recently? देखिए हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड सेक्टर में सबसे बड़ी समस्या ये थी कि हमारे जो पुराने नियम बने हुए थे उसमें हर कॉन्ट्रैक्टर को टेक्निकल और फाइनेंशियल क्वालिफिकेशन को उर्तता करनी पड़ती थी अभी जैसे उदाहरण के लिए हम लोग बड़े बड़े साहिबगंज का पुल बना रहे गंगा पर या अभी बिहार में पटना में हम लोग दो ब्रिज बना रहे या झोजिला टनल बना रहे या दिल्ली मुंबई हाईवे बना रहे अभी तक ये देश में बने ही नहीं है तो जब ये प्री क्वालिफिकेशन में हम ये डालते थे कि भाई इतना बड़ा आठ हजार करोड़ की टनल है जोजिला के और इसको ऐसी इतनी बड़ी टनल जिसने बनाई वो क्वालिफाई होगा तो कोई आने वाला ही नहीं है क्योंकि हमारे देश में बनी नहीं है तो जैसे मैंने इसके ऊपर एक लॉजिक हम सबको हमारे लोगों को बताया कि अगर एक अस्सी मंजली बिल्डिंग है तो जो पांच मजले बना सकता है वो अस्सी मजले बना सकता है इसमें कोई टेक्नोलॉजी नहीं है उसको ऊपर ही जाना है तो मैंने कहा यह हमारे नियम गलत है और इसलिए हमारे टेक्निकल और फाइनेंशियल क्वालिफिकेशन के कंडीशन के कारण इंडियन कॉन्ट्रैक्टर में कैपेबिलिटी होने के बाद भी उनको जॉइंट वेंचर फाइनेंशियल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन के लिए करना पड़ता था और मुझे लगता है अब हमने अभी तक इसके तरफ उनको करने भी दिया पर जिस प्रकार की परिस्थिति तैयार हुई है उसमें हमें ये उचित नहीं लगता और इसलिए हमने इसके बाद भविष्य में हम कोई अपॉइंटमेंट डेट नहीं देंगे और वर्क ऑर्डर नहीं देंगे जिनका जॉइंट वेंचर चाइनीज कंपनी के साथ है और इसके साथ भविष्य में भी हमने सबको कहा है कि आप इस समय चाइनीज कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर करोगे तो हम आपको डिस्कालीफाई करेंगे तो ये निर्णय किया देश के हित में है और आज की स्थिति में उचित है और मुझे लगता ये करने में हमें कोई टेक्निकल अड़चन नहीं आएगी हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगे और दूसरी तरफ हमने ये भी निर्णय किया है मैंने सेक्रेटरी की अध्यक्षता में उनको कहा है कि टेक्निकल लोगों के साथ बैठ कर ये टेक्निकल और फाइनेंशियल नॉर्म्स को रिलैक्स करने का काम हमको करना पड़ेगा और वो हम कर रहे हैं जल्दी ही वो आएगा बाहर तो हमारी कंपनी भी उसमें क्वालिफाई हो जाएगी रिगार्डिंग टेक्निकल कोलैबोरेशन के लिए जो टेक्नोलॉजी हमारे देश में अवेलेबल नहीं है या कहीं वर्ल्ड में है तो वो टेक्नोलॉजी के लिए हम निश्चित रूप से हमारे कॉन्ट्रैक्टर जॉइंट वेंचर कर सकते हैं पर आज हमारे देश में सभी इक्विपमेंट आई है ऑल जितने जितने वर्ल्ड स्टैंडर्ड के इक्विपमेंट है वो हमारे पास है हमारे कॉन्ट्रैक्टर बड़े बड़े कंक्रीट रोड बना रहे हैं उनके पास पेवर्स है रेडीमिक्स कॉन्क्रीट प्लांट्स है सब प्रकार का है सॉइल स्टेबिलाईजर की टेक्नोलॉजी है हमारे पास यूजिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल की बात है तो हमारे कॉन्ट्रैक्टर बड़े बड़े प्रीकास्ट में हमारे कॉन्ट्रेक्ट काम कर रहे हैं कितने अच्छे अच्छे ब्रिजेस बनाए गए आप मुंबई के एयरपोर्ट पर नए एयरपोर्ट पर जाने वाला ब्रिज देखो कितना सुंदर बनाए तो हमारे सभी कॉन्ट्रैक्टर में ये कैपेबिलिटी है केवल हमने हमारे टेक्निकल और फाइनेंशियल नॉर्म में हम सुधार जो किया है उससे यही लोग निश्चित रूप से कॉम्पिटेंट भी बन जाएंगे क्वालिफाई भी हो जाएंगे और केवल हिंदुस्तान में नहीं तो वर्ल्ड में कहीं भी जाकर काम कर सकेंगे इतनी काबिलियत उनके पास है इतनी इंजीनियरिंग एबिलिटी है ऐसा मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ